दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ फ्रांस से डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, जो वहाँ ग्रेनोबल सिटी में रहते हैं और वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। मूल रूप से बागपत के रहने वाले डॉक्टर प्रवीण कुमार से हमने पिछले दिनों भी बातचीत की थी कि कैसे कोरोना हम हिंदुस्तान में बढ़ रहा है तेजी से और कैसे उसको रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। इस बार फिर हम डॉक्टर प्रवीण कुमार के साथ हैं और डॉक्टर प्रवीण कुमार हमें बताने वाले हैं कि कैसे दुनिया के बड़े देशों में जहां कोरोना का ज़्यादा असर रहा, उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए, उन्होंने कैसे लॉकडाउन किया, कैसे अनलॉक किया और वहां क्या इम्पैक्ट आया इसका। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप स्क्रीन देख पा रहे हो सर? डॉक्टर साहब मैं देख पा रहा हूं आपकी स्क्रीन। कंट्रीज हैं उनमें क्या सिचुएशन है, कितना उनमें कंफर्म केसेस आए हैं, कितना डेथ रेट है, किस लेवल की उन्होंने टेस्टिंग की है, इसको देखने के बाद में फिर हम मूव करेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने कब लॉकडाउन स्टार्ट किया था और उन्होंने कब लॉकडाउन ईज करना स्टार्ट किया और उसी को फिर हम कंपेयर करेंगे अपना इंडियन जो भी हमारा सिनेरियो है आज के डेट में कि हमने कब स्टार्ट किया था और हमने कब उसको ईज करना स्टार्ट किया। जी आप देखना कि ये ग्राफ है, ये पूरे वर्ल्ड का ग्राफ है, तो इसमें जो है ग्लोबली जितने भी कंट्रीज इन्फेक्टेड हुए हैं उनके केसेस हैं डे बाय डे। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी तक जो आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड वो है 86 लाख और 8.6 मिलियन, और जो टोटल डेथ्स हैं जो अभी तक रिपोर्टेड हुई हैं, जो कंफर्म डेथ हैं, वो है 4,59,553। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये मैंने एरो लगाया है, ये मार्च से अप्रैल के बीच में मैक्सिमम कंट्रीज थे जिन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, और ये वो रीजन था कि जब ये कर्व, ये ग्राफ जो है ये मैक्सिमम स्पीड से बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाने से एक तो फायदा ये हुआ, एक बेनिफिट ये हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया ये वाला जो रीजन है, और उसके बाद में क्या है कि अब फिर से दोबारा ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक वरिंग ट्रेंड है अभी भी कि वर्ल्ड वाइड केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये वो रीजन था जब यूरोप सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड था, अब ये रीजन जो है इसमें जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसका मेन रीजन है यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील जिसमें आता है, और तुम्हारा साउथ एशिया और रशिया। तो ये कंट्रीज है इनकी वजह से जो है अभी भी ट्रेंड बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप हम देखें ग्लोबल पिक्चर में ये है कि इन्फेक्शन अभी भी डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे कि डेथ का क्या सिनेरियो है, तो डेथ का सिनेरियो अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल और समवेयर मिड ऑफ मे तक डेथ सबसे ज्यादा रिपोर्टेड हुई, उसके बाद में एक ड्रॉप आया है। तो आप अगर आप देखोगे तो अब ये काफी स्टेबल है, तो इसका आप ये भी हम समझ सकते हैं कि काफी लोगों ने जो गाइडलाइन फॉलो की है या जो अलग अलग कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको अलग अलग कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट भी किया है, और जैसे फॉर एग्जांपल मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सारे जो मेजर्स लिए हैं, तो उसके कारण से डेथ रेट भी थोड़ा कम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो टॉप 9 या 10 इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें इन्फेक्शन रेट कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये कन्फर्म केसेज हैं, तो सबसे पहला है यूनाइटेड स्टेट का। आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि यूनाइटेड स्टेट में जो है लगभग 2.19 मिलियन, लगभग 21 लाख से ज्यादा केसेस अभी तक कंफर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है हमारा ब्राजील,
जो 9,78,142, उसके बाद फिर रशिया है मोर देन 5.5 लाख, इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे नंबर ऑफ केसेस में 3,80,532 केस हैं, उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो ये है वास्तविक स्थिति जिसमें आप देख पा रहे हो कि कहाँ पे केसेस ज्यादा हैं, कहाँ पे केसेस कम है। साथ बात करें यहाँ पे कि नंबर ऑफ डेथ्स का क्या केस रहा, तो नंबर ऑफ डेथ्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, 1,18,434, 1,18,434 डेथ। सेकंड नंबर पे ब्राजील है, 47,748 डेथ। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, फिर इटली, फ्रांस और इंडिया में अभी जो है 12,573 डेथ। तो ये जो है ओवरऑल डेथ का सिनेरियो है इन कंट्रीज में। उसके बाद में अगर हम बात करें फैटलिटी रेट, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फैटलिटी रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्रीज के कितने कंफर्म केसेस हैं और उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई, उनकी परसेंटेज कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फैटलिटी रेट में देखो तो फ्रांस में जितने केसेस आए हैं उसमें से लगभग 18.5% लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भयानक जो सिचुएशन थी वो फ्रांस की थी, खासकर हम बात करें जी उसके बाद में इटली में भी 14.5%, यूनाइटेड किंगडम में 14%, यूनाइटेड स्टेट में मोर देन 5% है, ब्राजील में भी अप्रोच कर रहा है 5% की तरफ, जर्मनी में 4.7% और इंडिया में हम अभी 3.28% है। सो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जितने केसेस हैं उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई। यानी दुनिया में जो सबसे ज्यादा केस हैं उसमें हम चौथे नंबर पे हैं और फर्टिलिटी रेट में हम छठे नंबर पर हैं, सातवें नंबर पर हैं। जी बाद में अगर हम बात करें कि रिकवरी रेट किस तरीके से रहा है, सो अगर ट्रेंड हम देखें रिकवरी रेट का, तो रिकवरी रेट में क्या था कि फ्रांस में जितने केसेस आए थे उनमें से 46.48%, लगभग 50% से कुछ कम लोग जो है रिकवर हो चुके हैं। जर्मनी में मोर देन 91%, उसका फिर एक अलग रीजन भी है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटी है, वेंटिलेटर उन पर उनके जो है मोर देन 800 फैसिलिटी का यहाँ पर आप देख रहे हो सीधे सीधा इटली असर पड़ रहा है। में जो है 76% लोग जो है रिकवर हुए हैं, वही इंडिया में जो रिकवरी रेट है 54% है, तो काफी ठीक रिकवरी रेट है। इससे पता भी चलता है कि हमारे लोगों का जो इम्यून सिस्टम है और जिस कंडीशंस में हम हैं वो काफी फेवरेबल है, इतना ज्यादा डेडली इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्ट नहीं कर रहा है लोगों को हमारे वहाँ। और रशिया में देखोगे तो यही परसेंटेज जो है 57% है, ब्राजील में 50% और यूनाइटेड स्टेट में मोर देन 41%। तो ये सिनेरियो है कि फर्टिलिटी रेट, कितने लोगों की डेथ हुई परसेंटेज में और कितने लोग रिकवर्ड हुए हैं आउट ऑफ कंफर्म केसेस। अब अगर हम बातें करें कि टेस्ट जो है पर 10 लाख पर कितने कंडक्ट किए हैं किस किस कंट्रीज में, सो उसमें अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में मोर देन 21,000 लोगों को टेस्ट किया है पर 10 लाख में से, यानी कि हर 10 लाख लोगों में से 21,215 लोगों को उन्होंने टेस्ट किया है। जर्मनी में यही जो है 60,000 से ज्यादा है, इटली में 80,000 से ज्यादा है और इंडिया में हम अभी यहाँ काफी पीछे हैं टेस्टिंग के, खासकर टेस्टिंग के मैटर में। हमारी जो टेस्टिंग है अभी 4,796 टेस्ट हमने किए हैं पर 10 लाख पीपल, जो जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, और अभी तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो चुका है तो ये रेशियो बहुत कम है और हमें से इंक्रीज करना होगा। वहीं अगर आप स्पेन, यूके और रशिया की बात करें तो वहां पर 1 लाख से ऊपर लोगों को उन्होंने टेस्ट किया है पर 10 लाख, यानी कि हर 10 में से एक लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट किया। ब्राजील में भी थोड़ा सिनेरियो ऐसा ही है, 11,000 के आसपास उन्होंने टेस्ट किए हैं और यूनाइटेड स्टेट में भी 82,611। तो ये सिनेरियो है कि टोटल टेस्ट कितने कंडक्ट हुए। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेस्टिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप लोगों को आइसोलेट नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता है कि कौन इंसान इन्फेक्शन फैला रहा है और कौन जो है इन्फेक्टेड नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें कि डेथ्स पर लाख क्या है पर 10 लाख, तो उसमें फ्रांस में जो है 454, जर्मनी में 107
और इंडिया में केवल 9 है। तो ये आता है बेसिकली पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो अगर देखोगे आप पॉपुलेशन के बेसिस पर आप देखोगे तो ये बहुत कम है, और अगर आप फर्टिलिटी रेट देखोगे तो इंडिया में भी 3.3% के आसपास है जिन लोगों की डेथ, और स्पेन में और यूके में ये केस 600 से ज्यादा है, रशिया में 54 है, ब्राजील 231, यूनाइटेड स्टेट 367। तो यहाँ पे एक चीज और भी हमें समझ आ रही है कि अगर नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा इंक्रीज करे जाएंगे तो हो सकता है कि ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि इटली में जो है इंडिया के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा टेस्ट कंडक्ट किए गए, तो वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट भी हो रखा है। तो बेसिकली ये है कंडीशन हमारी, नंबर ऑफ टेस्ट कितने कंडक्ट हुए हैं और पर 10 लाख पे जो है कितने लोगों का डेथ हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग जो ये कंट्रीज हैं जो इन्फेक्टेड हुई हैं, ये कंट्रीज हम इनकी बात करेंगे कि इनका कर्व किस तरीके से कहाँ किस पोजीशन पे है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट का देखोगे तो ये पीक क्रॉस करके अब धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट के लिए थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन है। अगर आप देखोगे ब्राजील का, तो ब्राजील का कर्व अभी भी सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, ये देखो। उसके बाद में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये कर्व है, इंडिया का ये बेसिकली जो स्केल है ये एक लार्ज अमाउंट के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट केस काफी ज्यादा है, इंडिया के केस कम है, तो इसलिए ये ग्रोथ इसका बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ। बट अगर आप देखोगे तो इंडिया का भी सिनेरियो यही है कि इंडिया का भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इन्फेक्शन अभी भी डे बाय डे ग्रेजुअली हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आते हैं सारे यूरोपियन कंट्रीज, तो उसमें आप देखोगे तो सब जो है पीक क्रॉस करके और धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ, और लगभग वायरस जो है खत्म होना बिल्कुल उस स्टेज पे। तो ये ओवरऑल ट्रेंड है। अब हम बात करेंगे कि अनलॉक और लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ और अनलॉक फेज किस किस कंट्रीज ने कब स्टार्ट किया और उनकी क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। सो यूके में जो है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 23 मार्च, जब इन्फेक्शन रेट स्टार्ट हुआ था एक्सपोनेंशियल। उसके बाद में आप देखोगे कि इसने पीक अचीव किया और उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट किया। सो जब ये डिक्लाइन करना स्टार्ट किया तब जाकर के इन्होंने धीरे धीरे चीजें ईज करनी या ओपन करनी स्टार्ट की। ये तो है यूके का केस। अगर आप देखोगे इटली के सिनेरियो में क्या था, वहां पर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 9th of March को और अनलॉक उन्होंने किया 4th of May को। इसी के साथ साथ अगर आप जर्मनी की बात करोगे तो लॉकडाउन 17th of March को स्टार्ट हुआ और अनलॉक फेज जो स्टार्ट हुआ 27th of April। और साथ में अगर फ्रांस का भी हम सिनेरियो देखें तो 17th of March को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, अनलॉकिंग फेज स्टार्ट हुआ 11th of May को। तो यहां से एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही है कि अनलॉक फेज इन लोगों ने तब स्टार्ट किया जब इन्फेक्शन रेट घट रहा था। ठीक, अगर हम इसको इंडियन सिनेरियो से कंपैरिजन करें तो ये हमारे इंडिया का ग्राफ है, ओवरऑल ग्राफ किस तरीके से केसेस डे बाय डे आए हैं। तो हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था 24th of March के आसपास और उसके बाद में अनलॉक फेज जो हमने स्टार्ट किया वो 8th June के आसपास है, जो फेज वन है। और उसके बाद भी अगर आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो इन्फेक्शन है वो एक बड़े स्केल पर अभी स्प्रेड हो रहा है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए आप खुद समझ सकते हो कि ये सही समय था या नहीं था अनलॉक करने का। दूसरा ये भी कंडीशन है कि इकोनॉमिकली हम इन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, जो और डेवलप कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, उनके कंपैरिजन में हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट अगर आप सिनेरियो देखोगे तो ये चारों कंट्री लगभग सक्सेसफुल रहे हैं किस मैटर में कि जब इन्फेक्शन रेट डिक्लाइन हुआ तब उन्होंने जाकर के अनलॉक करना स्टार्ट किया। बट हम अभी बहुत मेरा मानना है कि बहुत वरिंग सिचुएशन में है और अगर इस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ता रहा तो ये कई महीने तक भी चलेगा, नेक्स्ट मंथ तक भी चल सकता है। और जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था रविंदर जी के साथ में, हमने वहां पे टेक होम एक मैसेज दिया था, वो टेक होम मैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्क लगा करके तुम्हें रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है,
हाथों को बार बार क्लीन करना है, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज है कि आप किसी चीज को टच करोगे तो वहां से भी वो वायरस आ सकता है, और अपने आसपास भी क्लीनिंग रखें। तो ये चीज है जो अभी आप कर सकते हो। अभी इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हमने लास्ट टाइम भी यही रिक्वेस्ट किया था और इस बार भी हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्फेक्शन अभी भी इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको देखते हुए आप अपनी प्रिकॉशंस लें, और ये ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमें इसी तरह की जानकारियां देते रहेंगे, ऐसी चर्चा करते रहेंगे। आपके सामाजिक सरोकार बहुत अहम है, और लगातार आप फ्रांस में रह करके रिसर्च करते हुए भी यहाँ भारतवासियों की चिंता कर रहे हैं, करते रहे हैं, और पहले भी आपने कई सुझाव दिए थे जो बहुत ही अहम थे। धन्यवाद, नमस्कार आपको।